तो अभी तक हमने क्या देखा, पुश और पुल, हीट, ये सब क्या है, हमारे फोर्स के एग्जांपल्स हैं, फोर्सेस हैं एक तरह से। तो हम एवरीडे लाइफ में इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, जिसमें हम कुछ एफर्ट हमें लगाना पड़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसे मोशन में लाना है, या उसे मोशन से स्टॉप करना है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एफर्ट करना पड़ता है। तो वो एक तरह का एफर्ट ही क्या है, वो कैसा है, फोर्स है। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरली हम एक्सपीरियंस करते हैं कुछ मस्कुलर एफर्ट, ठीक है, से दैट वी मस्ट पुश और हीट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, या नेचुरल स्टेट हम उसे कहते हैं, जब वो अपने रेस्ट फॉर्म में रहता है। तो अगर हम उसे रेस्ट फॉर्म से कुछ हीट करके, पुश करके चेंज करें उसके पोजिशन, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। ओके, तो अब अगर हम एक वर्ड में या एक लाइन में कहें कि फोर्स कॉन्सेप्ट किसके बेस्ड पे है, द फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हीट और पुल। तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस्ड है, पुश, हीट और पुल। बट लेकिन हम एवरीडे लाइफ में इसको क्या करते हैं, फोर्स को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इसके इफेक्ट को, और दिखाई भी देते हैं, है ना। जैसे अगर किसी पे फोर्स अप्लाइड हो जाए तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है और हमें दिखाई भी देती है वो मोशन करती हुई, जैसे पुशिंग है, हीटिंग है और पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसमें कोई फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि उसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा है। और अर्लियर क्लासेस में हमने देखा कि कैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे उसकी मूव वेलोसिटी को और डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, कि द फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि या तो उस बॉडी को फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा। तो वो कौन करता है, फोर्स। तो फोर्स कैन बी यूज्ड, फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड कोई भी वैल्यू, मीन्स कोई बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या चल रही है, मोशन कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, मीटर पर सेकंड आ गया, तो हम उस मीटर पर सेकंड यूनिट से पहचान लेंगे वो क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है। और फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज टू मेक, दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। मूव फास्टर और स्लोअर, फास्टर और स्लोअर। और वेलोसिटी के साथ साथ क्या चेंज करते हैं, डायरेक्शन। एंड और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और टू चेंज
इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। क्लियर है इतना? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, कि कैसे फोर्स उस पर अप्लाइड हुआ और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। और एक और पॉइंट है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप, द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, जैसे कि एक स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने क्या करा, स्ट्रेच करा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, स्प्रिंग हो जाएगी ऑफ ऐसे, स्प्रिंग खींच जाएगी, देख रहे हो ना, इसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। सेकेंड वन, आप क्या करिए, एक स्पेरिकल रबर बॉल है, एक स्पेरिकल रबर बॉल, ये क्या था हमारा पहला था स्प्रिंग, स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स यूज, ओके, फोर्स का यूज है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट वन, हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास हो सकते हैं कि कोई रबर बॉल है, ओके, एक रबर बॉल है, और इस रबर बॉल को क्या करा जाए, दोनों तरफ से पुश किया जाए, तो ये ऐसे ऐसे पिचक जाएगी। पुश किया जाता है, अगर रबर बॉल को पुश किया जाता है, तो इसका देखो बी वाला पार्ट क्या है, स्पेरिकल रबर बॉल बिकम्स ऑबलोंग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, ऑबलोंग मींस पिचक जाती है, उसका शेप चेंज हो गया, तो अ स्पेरिकल रबर बॉल, रबर बॉल बिकम्स becomes oblong as we apply force on it, as we apply force on it, okay? तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, spherical ball में कोई force applied करते हैं, तो उसका shape क्या हो जाता है, change हो जाता है। तो हमने कहा ना, force can change the shape and size of object, और किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, मींस फास्टर या स्लोअर कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। देखो बैलेंस क्या होता है, एक तरह से अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं तो आप देखा होगा कि जैसे किसी भी शॉप के कहने का मीनिंग है, कोई परचून वगैरह की शॉप है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल्स वगैरह बेचते हैं, तो आप गए, आपने कहा कि 5 किलो राइस चाहिए, तो अपन लोग क्या करते हैं, अगर राइस चाहिए होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस में एक तरफ 5 kg का एक बाट रख लेते हैं और इधर जितना सामान हमें चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि वो बैलेंस क्या दिखाती है,
इक्वल अगर हो जाए, मींस दोनों जगह अगर सेम हो जाए, इसे बोलेंगे बैलेंस। ऐसे ही फोर्स, अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा हो तो हम उसे बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मींस या तो आप पुश कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से, पुश करोगे तो वो क्या हुआ, रेस्ट फॉर्म में ही रहेगी ना, तो उसे बैलेंस फोर्स कह सकते हैं। या आप उसको दोनों साइड से किसी बॉक्स को खींच लो और सेम फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, तब भी वो रेस्ट में रहेगा। तो बैलेंस फोर्स एक तरह का कैसा फोर्स है, अगर वो इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, बट कैसा फोर्स होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, बट द ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स, हमने क्या कहा कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है किसी ब्लॉक पे। ठीक है, तो हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों ये बन गया आपका एक मेज, और मेज में बन गया एक बॉक्स। अब ये बॉक्स, एक बॉक्स है या ब्लॉक आप समझ लो, ये क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, और इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है, आप सेम इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ये एक लग रहा है इधर एक्स और ये है वाई। अब ये क्या होगा, या क्या मोशन में आएगा, नहीं ये मोशन में नहीं आएगा। तो इन सिचुएशन में क्या है, टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, बॉडी या ब्लॉक विल नॉट मूव। तो उसे ही बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में कोई बॉडी मूव करेगी नहीं, क्योंकि डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम बैलेंस फोर्स में क्या लिख सकते हैं, इफ द ब्लॉक, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ, फ्रॉम द बोथ साइड विद इक्वल फोर्सेस द ब्लॉक विल नॉट मूव, द ब्लॉक विल नॉट मूव, द ब्लॉक विल नॉट मूव। सच फोर्सेस आर कॉल्ड, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड डू नॉट चेंज, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, कि जब इक्वल फोर्स लग रहा होगा दोनों तरफ, से पुल कर रहे होंगे तो क्या होगा, बॉडी खींचेगी नहीं, रेस्ट फॉर्म में रहेगी। इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बोथ साइड से अगर इक्वल फोर्स लग रहा है, अगर इक्वल फोर्स लगेगा बोथ साइड से, बोथ साइड विद इक्वल फोर्सेस, तो
तो आप क्या बोलोगे, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर बोथ साइड से अनइक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और लेट अस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ए सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, इन दिस केस जो ज्यादा फोर्सेस होगा उसकी तरफ बॉडी खिंच जाएगी या ऑब्जेक्ट खिंच जाएगा, तो वहां पे आ जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, बस इसी के सिमिलर, ठीक उल्टा, सेम की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल की जगह क्या आएगा, अनइक्वल फोर्सेस। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद अनइक्वल फोर्सेस द ब्लॉक विल मूव वुड बी बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। सो अनबैलेंस्ड में क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में, अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाएगा आपका क्या, ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाएगा कि इफ द ब्लॉक इज पुल्ड, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद अनइक्वल फोर्सेस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ओके, डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, अ सच फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। Such force are called unbalanced force. ठीक है, ठीक है, और unbalanced force कहां पे, unbalanced force acts in the direction the block moves. Unbalanced force acts in the direction the block moves, जहां की तरफ डायरेक्ट मूव ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव करेगा उसकी उस डायरेक्शन की तरफ, हम बोलेंगे कि वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स उस डायरेक्शन में है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वही ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, मींस दिस सजेस्ट that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. क्या अगर balanced force लगेगा क्या तो कभी body motion में आएगी, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा unbalanced force पे ही कोई भी object है वो motion करेगा। तो this is a very important point, stark बना करके हम इसे करते हैं, क्या this suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion, हमेशा अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी को मोशन में लाएगा। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ठीक है, इस एग्जांपल में तुम देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स को दो जने धक्का दे रहे हैं, ठीक है, इस बॉक्स को
दो जने धक्का दे रहे, ठीक है। और जब दो जने धक्का दे रहे हैं तो हो क्या रहा है इस बॉक्स में कि पहली वाली केसेस में डायरेक्शंस पहले बना देता हूं मैं। डायरेक्शंस कुछ ऐसी हैं और ये डायरेक्शंस कुछ ऐसी हैं, और इसमें भी फिर से ये डायरेक्शंस हैं और इसमें भी ये डायरेक्शन है और इसमें ये वाले डायरेक्शन में एक छोटा सा डायरेक्शंस है, एक बहुत बड़ा, एक स्मॉल और फिर ये स्मॉल, ठीक है। ये तो हर बार स्मॉल स्मॉल ही, ये वाला जो फोर्स है।